कितनी नाजुक है आपके ख्याल में? आखिरी दमों पे है? आप मुबालगे से काम ले रहे हैं। आपने कुरान करीम का मुतालिया नहीं किया, आपको ये नहीं पता कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बावजूद मदीने में बहुत मुनाफिक बसे हुए थे जिनका कुरान करीम में बार बार ज़िक्र है। और जब रसूलुल्लाह सल्लम ने आंखें बंद की तो अक्सर अरब मुर्तद हो गया। तो इसलिए ये वहम है आपको कि जब खुदा की तरफ से कुछ सच्चा आता है बुज़ुर्ग तो अचानक कौम की हालत बदल देती है। कौम की हालत बदलने के इम्कान पैदा होते हैं, हालत उसी की बदलती है जो अपनी हालत बदलने के लिए दयानतदारी से कोशिश करता है। बस कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला हरगिज़ किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपने अंदर जो हालात हैं उनको तब्दील करने का फ़ैसला नहीं करते। बस जब नूर आता है तो फ़ायदा वही उठाता है जो आंखें खोलता है, जो आंखें बंद रखे उसको कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरे ये कि अहमदियों के मतलब जो आपने इतना ख़तरनाक तबसरा किया ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जितनी कुर्बानी पाकिस्तान में अहमदी कर रहे हैं सच्चाई की खातिर, इब्तलाओं में पढ़कर खुदा की खातिर मारें खाते हैं, जेलों में जाते हैं, जिस तरह उनके अंदर गैरों के मुकाबले पर तकवा और दयानतदारी है, रिश्वत ना लेने के जुर्म में उनको कैद में डाला जाता है बजाय रिश्वत लेने के जुर्म में, तो ये कह देना चंद आदमियों को देख कर के सारा हाल ही तबाह हो गया, ये तकवा के ख़िलाफ़ बात है। बस मैंने आपसे कह दिया, बस काफ़ी हो गई है, जज़ाकअल्लाह। नहीं नहीं दूसरा सवाल है ही कोई नहीं, दूसरा सवाल अगला आदमी करेगा। शुक्रिया।